तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ एमसीए टी10 ऑल स्टार लीग का 23वां मैच, जो कि खेला जाएगा शोभा क्रिकेट क्लब वर्सेस डीएचएल क्रिकेट क्लब के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। भाई देखो, अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो भाई आपका लॉस हो सकता है, बट ये मेरी गारंटी है अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो भाई आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज अगर आप चैनल पर आ गए हो तो देखकर ही जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भाई उस चीज की पूरी नॉलेज होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और सेम चीज भाई आपके लिए यहां पर फैंटेसी फील्ड में भी अप्लाई होती है, तो अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी तो भाई आपका लॉस होना कंफर्म तय है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगी तो 100% बात है कि या तो आपका लॉस होगा ही नहीं, आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, या फिर अगर लॉस भी होगा तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो ये चीज आपको तभी मतलब पता लगेगी जब आप एक बार वीडियो कंप्लीट देख लोगे, एक-एक प्लेयर के स्टैट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले भाई वेन्यू की, यहां पर आप देख रहे होगे भाई किनरारा ओवल एकेडमी कुआलालंपुर में मैच होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रखना। यहां की जो पिच रिपोर्ट है वो आप देख सकते हो, न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प मिलने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ एसबीसी की तो भाई इनकी भी बैटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर अगर बात करूँ डीएचसी की तो इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चांसेज है कि डीएचसी की टीम आपको काफ़ी अच्छी विनिंग करती यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि देखो बैटिंग ऑलमोस्ट दोनों की बराबर है, दोनों के पास हिटर भी है, दोनों के पास पारी को संभालने वाले भी है। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो भाई डीएचसी की टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर, बाकी देखते हैं भाई मैच में कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को भी हरा सकती है, और इंडिया की टीम भाई मतलब किसी इंडिया की टीम तो चलो किसी को भी हरा भी सकती है, बाकी ये बात है कि मतलब हो कुछ भी सकता है, बट ज्यादा चांसेस जिस चीज के वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो आज ये मैच खेला जाएगा 5 दिसंबर को, और अगर बात करें टाइमिंग की तो 2:30 पर इस मैच की डेडलाइन रहने वाली है। बात करें पिच रिपोर्ट की तो आप देख सकते हो न्यूट्रल विकेट रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 60 से 80 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें एसबीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 और जो परफॉर्मेंस है उसकी तो अब आप देख सकते हो, यहां से आपके लिए वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, यहां पर आप देख सकते हो जो बिग बैश का पहला मैच है उसके मैंने स्टैट्स अवेलेबल करवा रखे, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। एक एक प्लेयर की जो प्लेइंग 11 रहेगी ना भाई, उसके एक एक प्लेयर के स्टैट्स मैंने यहां पर आपके लिए अवेलेबल करवा दिया, तो ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ भाई जो भी मैच होगा ना उसकी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। साथ ही ऊपर आप देखोगे तो बिग बैश की ये भाई मेरे कुछ कल जो अबू धाबी टी10 का फाइनल था उसके कुछ रिजल्ट है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं डिफरेंस तो आप डिफरेंस देखोगे। यहाँ पर देखो आप 200 पॉइंट से हम यहाँ पर विनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर भाई 100 पॉइंट से ज़्यादा से हम विनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी तीसरे कॉन्टेस्ट में भाई यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा पॉइंट मतलब 100 के बराबर ही मान लो आप, या 80 मान लो आप, 80 पॉइंट से हमने यहाँ पर विनिंग की है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर परफॉर्मेंस रह रही है, मतलब जो विनिंग होती है ना वो आपके लिए कन्फर्म होती है। और यहाँ पर भाई 13,000 रुपये का गिव अवे आपके लिए करवा रखा है। ये आपको कैसे ज्वाइन करने को मिलेगा, जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पर जैसे आप ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम चैनल तो यहाँ पर ऊपर पिन मैसेज दिख जाएगा, जो हमारा मैसेज मैंने पिन कर रखा है यहाँ पर, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो ऐप दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको दोनों एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले 11 चैलेंजेस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपके लिए 3,000 रुपये का गिव अवे है, तो भाई जल्दी से जाइए, लिमिटेड स्पोर्ट्स है, यहाँ पर विनिंग आपकी कंफर्म हो सकती है। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी विन करने का मौका मिले बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पर स्पोर्ट एसी की बात करें तो यहाँ पर 10,000 रुपये का गिव अवे आपके लिए चल रहा है, तो ये भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। स्पोर्ट्स काफ़ी जल्दी बढ़ने लग रहे हैं तो जल्दी से जाओ भाई, और यहाँ पर आप लिंक से क्लिक मतलब अगर जिसने अभी डाउनलोड नहीं कर रखी है वो आप यहां से भाई लिंक पर क्लिक करके इन ऐप को डाउनलोड करके अपनी मतलब विनिंग कंफर्म कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें एसबीसी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो लास्ट मैच की इनकी प्लेइंग 11 रही थी प्लस परफॉर्मेंस, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर भाई आप देख सकते हो मोहम्मद मुज्जाम ने 54 रन बनाए, इसके अलावा भाई मोहम्मद सोफी सलीम जो टीम के कैप्टन है 10 रन बनाए और सिर्फ एक ओवर डाला। हालांकि भाई ये 2 ओवर कंप्लीट डालता आपको नजर आएगा, लेकिन इस मैच में एक ही ओवर डाला, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखो टीम का कैप्टन है तो देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर तो ऑलरेडी आपके
आपके लिए वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसे बना के जा सकते हो। ओपनिंग में आ रहा प्लस दो ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी करके देगा, तो इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। अमीरुल ईसान की बात करें तो 0 रन बनाए, मोहम्मद हफीज असलाम की बात करें तो 5 रन बनाए। इन दोनों को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। देखो मतलब एक वन डाउन आएगा, एक टू डाउन आएगा, दोनों ने भाई यहाँ पर मतलब अभी ऐसी कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो इनका सिलेक्शन थोड़ा सा लो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो ग्रैंड लीग में तो आप काफ़ी अच्छी एक तरफा विनिंग यहाँ से कर लोगे। साथ ही स्मॉल लीग में फिर आप चाहे तो इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इन्हें इनमें से किसी एक को आपको जरूर लेना है। और अगर आप दोनों को ड्रॉप कर रहे हो तो भाई ग्रैंड लीग की एक टीम में आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ही होने चाहिए, ताकि अगर आपका यहाँ से लॉस हो तो वहाँ से आपका पूरा रिकवर होकर और प्रॉफिट आ जाए। अगर बात करें अपन मोहम्मद इकबाल अजान की तो 5 रन बनाए प्लस एक ओवर गेंदबाजी में एक विकेट भी निकाला। सिराज अमीर की बात करें तो 2 ओवर डाले, विकेटलेस रहे। इसके अलावा यहाँ से बात करें मोहम्मद मुजामिल की तो इन्होंने भी 2 ओवर डाले, ये भी विकेटलेस रहे। इसके अलावा भाई बात करें नौरसा हरिजत नौदरीन की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। आमिर हमजा की बात करें तो इनकी बैटिंग बॉलिंग आई नहीं। यहाँ से अगर बात करें यहाँ से हरफीज आसिम की तो 1 ओवर में विकेटलेस रहे। इसके अलावा भाई बात करें अमीनुद्दीन मोहम्मद की तो आप देख सकते हो 1 ओवर में विकेटलेस ये भी रहे, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर आपको मैं मार्क करके दूँ तो मोहम्मद मुजाम और यहाँ से भाई मोहम्मद सोफी सलीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई नीचे हो गए तो मोहम्मद इकबाल अजान और यहाँ से भाई सिराज अमीर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि विकेटलेस रहे। नौसरुद्दीन नौदरीन को आप ट्राई कर सकते हो, बाकी भाई मेरे हिसाब से इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं भाई यहाँ पर डीएचसी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो देख सकते हो इनके भी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। जो अरशाद महमूद है उन्होंने भाई 54 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें वेंकट रमना मूर्ति की तो इन्होंने 3 रन बनाए। ओपनिंग में आ रहा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ट्राई कर लेना। मोहम्मद आरिफ की बात करें तो देखो भाई 2 ओवर कंप्लीट डाल के दे रहा है और 1 डाउन खेल रहा है, कभी कभी ओपनिंग भी कर लेता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इसको ईजिली ट्राई कर सकते हो और काफ़ी अच्छी विनिंग आपको करा सकता है। इसके अलावा भाई बात करें सैयद निजामुद्दीन की तो 8 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई सैयद रहमतुल्ला की बात करें तो रन सिर्फ 1 बनाए लेकिन विकेट यहाँ से 2 निकाल के ले गया, ठीक है। कार्तिक पी की बात करें तो 25 रन बनाए भाई, ताबड़तोड़ 25 रन बनाए थे, साथ ही 1 ओवर में भाई महंगे साबित हुए लेकिन विकेटलेस भी रहे थे। और अगर वही बात करें मुरली चक्रबानी की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 रन इन्होंने बनाए, बॉलिंग इन्होंने करवाई नहीं। विष्णु वर्धन रेड्डी की बात करें तो देखो कैप्टन है टीम का, बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अपनी टीम का कैप्टन है तो अपने आपको ऊपर ही प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही भाई बॉलिंग तो 2 ओवर की करवाई रहे हैं, 2 ओवर में 1 विकेट इसने यहाँ से निकाला है। पवन रेमिनेनी की बात करें तो 2 ओवर में 3 विकेट निकाले। इसके अलावा भाई बात करें वरुण वर्गसे की तो भाई 1 ओवर की गेंदबाजी में विकेटलेस रहा। इसके अलावा भाई बात करें वी नारायण सैमी की तो इन्होंने बैटिंग बॉलिंग की नहीं। तो ऐसे दोनों टीम्स के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने आपको बता दिया। अब चलता हूँ आपको लेकर ड्रीम इलेवन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको डेमो टीम देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले भाई आपको मैं याद दिला दूँ टेलीग्राम चैनल भाइयों भूल मत जाना, ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो ये मान लो आप इस मैच में विनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फाइनल टीम वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देने वाला हूं, ठीक है। यहां से अगर बात करूं तो मोहम्मद असलम हमारे टीम में रहेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। और यहाँ से आप मतलब चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो वी नारायण सैमी की, लेकिन लास्ट मैच में भी इसकी बैटिंग बॉलिंग नहीं आई थी तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला, ठीक है। इसके अलावा भाई ए पमाराजू की बात करो तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं ड्रॉप करके जाने वाला हूँ यहाँ से। इसके अलावा भाई नीचे की साइड आओगे तो ए महमूद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एस रहमतुल्ला अब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा और नीचे आओगे तो आपके यहाँ से भाई मोहम्मद आरिफ जिसने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई आपको कुछ मैचेज के मतलब यहाँ पर सभी मैचेज के पॉइंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि भाई MCA जो ऑल स्टार T20 लीग और T10 लीग चल रही है, इसके सारे मैच भाई ड्रीम इलेवन पर शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर कुछ मैचेज ऐसे भी चल रहे हैं जहाँ पर भाई मतलब जो ड्रीम इलेवन पर शो नहीं हो रहे लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैच की परफॉर्मेंस भी, क्योंकि भाई प्लेयर्स तो हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम प्लेयर चूज करेंगे। यहाँ से कार्तिक भी हमारी टीम में रहेंगे, नौदरीन हमारी टीम में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भाई एच आसिम हमारी टीम में रहेगा और यहाँ से भाई आप मतलब एम अहमद हार्डी को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई यहाँ से मोहम्मद चक्रबानी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। नीचे की साइड आओगे तो वी मूर्ति को आप ट्राई कर सकते हो, ये भाई ग्रैंड लीग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप चाहो तो वरुण वर्गसे को ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं अभी ड्रॉप करके जा रहा हूँ। यहाँ से वी वरदान रेड्डी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इसको मैं 101% ट्राई करने वाला हूँ। पवन रेमिनी को आप ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, यहाँ से आपको दिखा नहीं रहा भाई, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा।
जिनके पास स्टैट्स अवेलेबल नहीं होंगे ना, वो जाएंगे भाई सिलेक्शन के ऊपर, आप जाओगे भाई स्टैट्स के ऊपर, तो आपकी इजिली काफ़ी अच्छी विनिंग हो जाएगी। या सिर्फ विशाल आदि या फिर ऐसे सरजी, इन दोनों में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो, या आपके ऊपर आप किसके साथ जाना चाहते हो। मैं भाई यहाँ से अभी विशाल आदि के साथ जा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो ऐसे सरजी को भी ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर कैप्टन वॉइस कैप्टन की, तो कैप्टन आप यहाँ से भाई एम अहमद हाडी को बना सकते हो। इसके अलावा वॉइस कैप्टन की बात करूँ तो एम असलाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसके साथ भी जा सकते हो। या फिर सेफ ऑप्शन बताऊँ तो भाई कार्तिक भी, देखो बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है, हालांकि लास्ट मैच में बॉलिंग भी एक ही ओवर की थी, तो अगर आप उसको लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी वी वरदान रेड्डी कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग करेगा, साथ ही टीम का कैप्टन है तो अपने आप को ऊपर ही प्रमोट कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये आपके लिए होने वाला है, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं वी वरदान रेड्डी को वॉइस कैप्टन बना रहा हूँ। फाइनल वॉइस कैप्टन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए भाई ये मेरी टीम होने वाली है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की भाई हमारी टीम रहने वाली है, तो इस टीम के साथ मैं जाऊंगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टीम का, या फिर यहीं पे वीडियो पॉज करके आप टीम ज्वाइन कर सकते हो, और टीम जैसे आप सेव कर लो उसके बाद सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो फाइनल टीम है वो मैं वहीं पर आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।